हेलो एंड वेलकम टू द नेम हिमांशी हम यहाँ करते हैं आज की 25th so, हमने कल ये क्वेश्चन पूछा था प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ही इज जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े एंड ये जो है हमारे फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ठीक है इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस रंजन गोगोई को एंड ही टू को विद्रॉम एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन जो हमारे फॉर्मर सीजीआई है रंजन गोगोई ही टुक ओथ एज देंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा रिसेंटलीमेंट की ओत uh, ली थी राइट right? पहला क्वेश्चन इज अबाउट हु वन दिलियम ई कॉल बी अवार्ड फॉर द बुक मिड नाइट इन चोनोबाइल ठीक है तो ये जो है ये चर्नोबिल वाली जो बुक है इसके लिए विलियम ई कॉल बी अवॉर्ड दिया गया है हमें बताना है कि ये किसने लिखा है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है सो ऑलरेडी वी कैन सी इन दिक्कर सो ही दिसम हेगिन बोथम तो ये जो बुक है ये लिखी गई है चर्नो बिल के इवेंट पे जो की एक न्यूक्लियर डिजास्टर था ये कहाँ है चर्नो बिल जो है यूक्रेन की एक जगह पे हुआ था ठीक है यूक्रेन की सिटी में तो वहां पर जो है एक काफी बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उस पर यह बुक लिखी गई है ठीक है सो दिस बुक हैजिन रिटन बाय एडम हेगिन बोथम यहाँ पे दो और नाम दिए गए हैं जिनका नाम है हिलिल एज वेल हिले फ्रस्टिन्रेगरी मागलिस अवार्डेड द एबल प्राइज ये जो है एबल प्राइज जो है रिलेट करता है मैथमेटिक्स से तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो एबल प्राइज किस फील्ड से रिलेट करता है मैथमेटिक्स की एंड इट हैज बिन अवार्डेड टू हिलिल फ्रस्टिनबर्ग एंड ग्रेगरी मागलिस ऑल्सो जो कॉलबी अवार्ड है ये जो है हुआ था 1999 में और अवार्ड लेट सी आई ए डायरेक्टर विच गवर्नमेंट हैज है थर्ड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जय जल संचय अभियान तो हमें यह बताना है कि थर्ड एडिशन इसका किस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ऑप्शन आपके सामने है लेट सी वी आंसर इज आंसर इज गुजरात तो गुजरात के गवर्नमेंट ने इसका थर्ड एडिशन जो है वो लॉन्च किया है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की तो यहाँ पे जल ऑलरेडी आ चुका है तो जल मतलब वाटर तो वाटर से रिलेट करते हैं यानी कि कंजर्वेशन प्लान है कंजर्वेशन प्लान में ये क्या करने वाले है? कि जितने भी इनकी वाटर बॉडीज हो गई जैसे कि लेक्स हो गए डैम्स हो गए उसे चेक करेंगे उसे डीपन करेंगे क्योंकि अभी जो है जो हमारा मानसून सीजन वो आने वाला है ठीक है तो ये इसका थर्ड एडिशन है इसका मतलब ये लॉन्च की गई थी टू में और इस बार वाली जो है ये कंटिन्यू करेगी टिल जून टेंथ टू थाउजेंड ट्वेंटी हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में जो है गुजरात गवर्नमेंट जो है अपने देश की यानी इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई जिन्होंने अपनी पुलिस को इक्विप किया था टेजर गन्स के साथ टेजर गन्स के साथ राइट ऑल्सो गुजरात में जो है पहली कमर्शियल फ्लाइंग कार जो है वो मैन्युफैक्चर होने वाली है जिसका नाम है पैल बी लिबोर्टी यानी कि पर्सनल एयर लैंडिंग व्हीकल गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर विजय रूपानी यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली अमेंड कर दिया है ऑर्डिनेंस के थ्रू एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट क्यों इन्होंने अमेंड किया है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके हेल्थ केयर पर्सनल्स को देखिए यहीं पे क्वेश्चन हो गया कि हेल्थ केयर पर्सनल्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए किस एक्ट को अमेंड किया गया है तो ये है एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट पर मैं यहाँ आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये जो एक्ट है ये किस ईयर का है ठीक है तो एपिडेमिक्स डिजीजेज एक्ट ऑफ एटीन हैज बीन अमेंडेड है। ये क्या करेंगे जो भी वायलेंस हो रहा है जितना हम न्यूज में देख रहे हैं वायलेंस हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया जाएगा मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो ऑल्सो इसमें जो है कुछ ग्रेडेड पनिशमेंट दी गई है जैसे अगर आप कम नुकसान करते हैं या फिर कम सीवियरिटी के साथ ये इंसिडेंट होता है तो आपको कम से कम थ्री मंथ से लेके फाइव ईयर्स तक का जो है पनिशमेंट हो सकती है ऑल्सो फाइन होगा पचास हजार से दो लाख तक का पर अगर आप ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं करते हैं या फिर ज्यादा नुकसान करते हैं तो छह महीने से सात साल या फिर एक लाख से पांच लाख तक का आपको फाइन जो है वो पे करना पड़ सकता है आईसीएमआर ने रिसेंटली एक टेस्ट किट जो है वो अप्रूव कर दी है तो हमें बताना है कि किस आई का इन्होंने टेस्ट किट अप्रूव कर दी है सो so, आईसीएमआर ने अप्रूव की है आई आई की टेस्ट किट आई आई टी डेली ने जो है लो कॉस्ट टेस्ट किट बनाई थी जो अब आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे अप्रूव कर दिया है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर बलराम भार्गवा रिसेंटली जो है आईआईटी बॉम्बे ने एक मोबाइल ऐप को डेवलप किया था जिसका नाम है क्वारंटाइन क्वारंटाइन और ये हेल्प करेगा ताकि अथॉरिटीज़ जो है ट्रैक कर सके ए सिम्टोमेटिक केसेस को ठीक है ए सिम्टोमेटिक कैरियर्स को ऑल्सो आई बॉम्बे ने जो है डिजिटल स्टेटोस्कोप डेवलप किया था डिजिटल स्टेथोस्कोप मतलब वो दूर से ही आपकी चेकअप uh, कर सकते हैं तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप

इंडिया का जो पहला सैंपल कलेक्शन है मोबाइल uh, लैब है इट हैज बीन नेम्ड एज मोबाइल बी एस एल थ्री वी आर डी एल लैब ये इनोग्रेट किया गया था बाय एयर डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह और ये जॉन्टली डेवलप uh, किया गया है बाय डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद तो डीआरडीओ और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ने मिलकर इसे बनाया है इसमें कैपेसिटी है कि करीब एक हजार तक के सैंपल्स जो है वो प्रोसेस कर सकता है इसे भी अप्रूवल मिल गया है आईसीएमआर का चेयरमैन के हैं मिस्टर जी ओ रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इमिनेंट इमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी रिसेंटली पास हमें यह बताना है कि हु इज इट दिएटर पर्सनैलिटीटली पास ऊषा गांगुली तो ये जो है शी वज़ अ वेटरन थिएटर पर्सनालिटी और शी वॉज मोस्टली नोन फॉर अ हिंदी थिएटर इन कोलकाता तो ये कोलकाता में ज्यादा फेमस थी यहाँ पे तीन जो बाकी हम नाम देख रहे हैं ये सभी आर एमिनेंट uh, पर्सनालिटीज़ जो हु हैव रिसेंटली पासड अवे तो इनके बारे में देख लेते हैं फर्स्ट इज मोहम्मद बुहारी ही वॉज द नाइजेरियन चीफ एड ऑफ प्रेसिडेंट एंड ही रिसेंटली डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ठीक है नेक्स्ट इज चंदन मिस्टर चंदन सिंह राठौर जो है महावीर पाटिल पुटप्पा पाटिल पुटप्पा जो है वेटरिन जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो राज्यसभा के मेंबर तो एंड ये जो है ये फाउंडर रह चुके हैं एडिटर रह चुके हैं प्रपंचा मैगजीन के तो तीनों नाम मोहम्मद बुहारी चंदन सिंह राठौर एंड पाटिल पुटप्पा अबाउट ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स ग्लोबल प्रेस फ्रीडम जो है इसमें हमें बताना है कि इंडिया की रैंक क्या हुई है ये किया गया है, And इंडिया का रैंक था राइट right. ये जो है ये रिपोर्ट, प्रेस जो है रिलीज की जाती है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

साथ ही ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद मेड कॉर्ड्स जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है ठीक है ये क्या करेंगे आ, हेल्थ केयर स्टार्टअप है तो मतलब कुछ हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने किया होगा इसमें क्या करेंगे आ, इस इन एप्स के थ्रू आप कंसल्ट करते हैं कर सकते हैं डॉक्टर्स को ऑनलाइन ऑनलाइन और अपनी जो है मेडिसिन भी है वो भी प्लेस कर सकते हैं ये सर्विस आपको ट्वेंटी फोर जो है वो अवेलेबल है ठीक है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत यहाँ के गवर्नर है कालराज मिश्रा राजस्थान ने अपना रिसेंटली स्टेटहुड डे जो है वो थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मिंग फॉर मेडिकल यूज मेडिकल यूज के लिएगलाइज कर दिया गया है बाय विच अरेबियन कंट्री ऑप्शन हमारे सामने हैं लेट्स आंसर इज आंसर इज लेबनिन तो लेबनिन ने जो है ये पहली अरब कंट्री बन गई है जिन्होंने कैनेबीज को लीगलाइज कर दिया है ठीक है लेबनिन की कैपिटल है बेरूत यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है हसन दिया हमारे सामने है कुछ और अरेबियन कंट्रीज जैसे कि अल्जीरिया अल्जीरिया की कैपिटल है एल्जरिस मस्कित सॉरी ओमान की कैपिटल है मस्कित सुडान की कैपिटल है खरतूम और लेबनन की हमने देख लिया इट इज बेरूद ओमान के साथ हमने रिसेंटली नसीम अल बहर करके एक नेवी एक्सरसाइज है वो रिसेंटली कंक्लूड की थी ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट द दर्टीथ एनिवर्सरी ऑफ आईपीएल इस इवेंट पे ये अवार्ड कर रहे हैं आईपीएस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन यानी कि गोट कैप्टन तो ये जो है ये कैप्टन का अवार्ड किसे दिया गया है सो दिस हैज बीन अवार्डेड टू मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी तो गोट कैप्टन जो है ये मिला है महेंद्र सिंह धोनी को ही इज अ थ्री टाइम आईपीएल टाइटल विनर जो सीएसके को बिलोंग करते हैं ये अवार्ड किया गया है बाय स्टार स्पोर्ट्स जूरी ठीक है रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने पार्टनर किया था मास्टर कार्ड के साथ ताकि टीम कैशलेस इंडिया जो है इसका इनिशिएटिव वो लॉन्च कर सके ऑल्सो खाता बुक के ये ब्रांड एम्बेसिडर अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये किसने लॉन्च किया है इट हैज बिन लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए सोचने में ऐसा लगता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट कुछ बड़ी चीज होगी कोई आर्मी रिलेटेड होगा बट यही पे हमको समझना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये लॉन्च किया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे इसके अंडर क्या कर रहे हैं आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग जो है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग करने वाली है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की

हम यहाँ पी सिंधु की बात करते हैं कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज दिख लेते हैं इनकी रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही इनकी बुक रिलीज की गई है एज द शटलिंग टू टॉप इस बुक का टाइटल है शटलिंग टू द टॉप एंड इट इज रिटन बाय वी कृष्णा स्वामी ठीक है शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन दी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप द फर्स्ट इंडियन आई एम सेइंग ऑल्सो अवार्ड किया गया था पद्म भूषण

यानी फॉर द कंट्री इज़राइल इसराइल के लिए करने वाले हैं टी सी एस को uh, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने ये अपॉइंट किया था ठीक है तो ये क्या करेंगे वहाँ की जो बैंकिंग सर्विसेज है उसे पूरी तरीके से डिजिटाइज करने वाले हैं इसराइल को ठीक है इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम रिसेंटली इसराइल में जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है ठीक है यहां पे बात हो रही है टाटा कंसल्टेंसी की तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो एमडी एंड सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लॉकडाउन लॉकडाउन लर्नर्स लर्नर्स जो है एक online, uh, है एक ऑनलाइन सीरीज सारे डायलॉग्स का जो कि स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के बीच में होगा तो लॉकडाउन लर्नर्स जो है वो लॉन्च किया गया है बाय ऑप्शन हमारे सामने हैं सो क्लियरली जो ऑप्शन है उसमें से ये समझ में आ रहा है कि ये यूनाइटेड uh, नेशंस की बॉडी है सो लेट्स सी वो आंसर इज और काफी सारे यूनाइटेड नेशन की बॉडी का नाम दिया गया है तो यू एन एच आर सी एच आर सी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिशन यू एन एच सी आर एच सी आर के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ऑल्सो यूनसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड अब यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है तो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गोतरेस इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में नेक्स्ट इज अबाउट सर्व सीनियर्स इनिशिएटिव सर्व सीनियर्स इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है बाय द जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ठीक है यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सीनियर्स के लिए इनिशिएटिव लिया गया है तो डेफिनेटली ये जो है हेल्प करेगा सीनियर सिटीजन को जो कि अकेले रहते हैं उन्हें मेडिसिन या अदर एसेंशियल सर्विसेज की जरूरत हो तो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है सो दिस हैज बिन लॉन्च बाय द जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था ऑल राइट So, uh, that was the last question for today. Today I have a question hai about who has been recently elected as the Prime Minister of Israel. Alright, um, hope you all enjoyed the session. And if you did, make sure to hit that like button. Also, don't forget to subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.